हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, बड़ा देखो, रिएक्शन बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, एक एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसमें जो टाइम टेकन होता है बेटा, वो थोड़ा सा लार्ज होता है, ठीक है। तो वहां का जो डिफरेंस आता है टाइम का, उसके लिए हम यूज करते हैं डेल्टा, ठीक है, जिसको कुछ लोग ट्रायंगल बोलते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं, इसको लिख देते हैं यहां पर बेटा, द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेजर्ड एट लार्ज इंटरवल ऑफ time, which is measured at large interval of time. Suppose कर लो हमारे पास कोई reactant है और वो क्या बना रहा है, product, ठीक है। ये रहा हमारे पास reactant और इसने बना दिया product. अब मैं rate of reaction चाहूं तो मैं reactant के concentration के बदलाव के हिसाब से भी निकाल सकता हूं और product के concentration के बदलाव के हिसाब से भी निकाल सकता हूं। मेरे पास दोनों फैक्टर इस समय हमारे सामने हैं। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि रिएक्टेंट खत्म हो तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, और रिएक्टेंट खत्म होने की रफ्तार जो होगी वही प्रोडक्ट के बनने की रफ्तार होगी। यानी ये दो चीजें बराबर होती हैं, कोई एक खत्म होगा तो दूसरा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। एक काम करते हैं, इसको हम पहले लिख लेते हैं बेटा यहां पर, ठीक है, कि आर ओ आर जो हमने लिया हुआ है एवरेज इज इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन अपॉन टाइम। सिंपल सी बात है, ठीक है, इसको अप्लाई करके देख लेते। नाउ सी हियर, हमारे पास एक, हमने दो एक्सिस लिया एक्स एंड वाई, और हमने क्या देखा, मैं पहले रिएक्टेंट का बनाऊंगा बच्चों और फिर प्रोडक्ट का। मान लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का एक्सिस है और ये वाला जो एक्सिस है वो है आपका टाइम का एक्सिस, ठीक है, ये रिएक्टेंट का एक्सिस है और ये टाइम का एक्सिस। मान लेते हैं किसी एक पॉइंट पे हमारा रिएक्टेंट यहां पे है, कुछ समय के बाद क्या होने वाला है बच्चों, जब रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाएगा तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो ऑटोमेटिक क्या आने वाला है, नीचे आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या करने वाले बेटा, क्या बनाएंगे, आप देखो ये कुछ धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू टाइम क्या हो रहा है बताओ, घटता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप कोई भी एक डिफरेंस ले लो, जैसे मान लो कि हमारे पास ये जो पॉइंट है यहां पे, इस पॉइंट से अगर मैं देखूं, इसको मान लेते हैं टी वन, और मान लो मैं यहां से यहां तक ही मेजर करना चाहता हूं, इसको मान लो टी टू। अब ये T1 इनिशियल और ये T2 फाइनल, ऑब्वियस है, मान लो कि ये 5 मिनट थे 15 मिनट, कौन सी बड़ी बात। और कंसंट्रेशन भी देख लो बेटा क्या हो रहा है यहां पे, ये जो कंसंट्रेशन है यहां पे, दिस इज कॉल्ड R1, ठीक है, और यहां पर ये जो कंसंट्रेशन है दिस इज कॉल्ड R2। बात समझ में आ रहा है? अब ये जो डिफरेंस आएगा ना बेटा, ये T1 T2 का यहां से यहां तक का, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, बोलो डेल्टा टी, और इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा आर। तो मैं एक बार लिख दूं बेटा यहां पे, डेल्टा आर मतलब क्या बताओ जल्दी से, आर टू माइनस आर वन। बोलो यहां तक बात समझ में आता है? ये रिएक्टेंट का मैं केस डिस्कस कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझना मेरी बात। ऑब्वियस है ये रिएक्टेंट का एक्सिस है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा बेटा रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन वो डाउन जाएगा, राइट, और सर्टेन टाइम के बाद वो काफी
कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछता हूं कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसका जो चेंज है उसका जो डिफरेंस है वो कैसे आएगा, तो ऑब्वियस है फाइनल में से आप क्या करेंगे, इनिशियल आप घटा देंगे, ठीक है, और ये टी वन टी टू हो जाएगा तुम्हारा, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो भी डेल्टा टी में काउंट होगा। चलो देखते हैं, अगर मैं आपसे कहूं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मोलर है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो सकता है, भाई वो 100 से तो कम ही होगा, तो ओवरऑल जो यहां वैल्यू आएगी वो क्या आएगी वो बताओ। नहीं समझे बात, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर वन है उसको मान लो 100 है, ठीक है, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आर टू है उसको मान लो 20 या जो भी आप 10-30 जो भी मान लो आप, तो जो डिफरेंस आएगा बेटा वो माइनस में आएगा। तो डेल्टा आर यहां पे क्या आ रहा है सोचो एक बार को, डेल्टा आर यहां पे नेगेटिव आ रहा है। क्या कॉन्सेंट्रेशन कभी नेगेटिव हो सकता है, थिंक अबाउट, क्या कॉन्सेंट्रेशन कभी नेगेटिव हो सकता है, नो। तो क्या करना है, हम अगर डेल्टा आर जो है जो नेगेटिव जो वैल्यू आ रहा है अगर मैं इसके पहले ओवरऑल एक माइनस लगा दूं, अगर सपोज दैट ऐसे इसको ब्रैकेट में ले लूं, यहां क्या लगा दूं माइनस, तो हमारा एक वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा है ना। तो हमेशा बेटा जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं केमिकल रिएक्शन का तो उसमें हमेशा हमारा जो रिएक्टेंट होता है आर आर वो हमेशा नेगेटिव लिखा जाता है, समझे, पहले ही माइनस लगा दो मसला ही खत्म, क्योंकि ऑब्वियस है रिएक्टेंट के केस में जो फाइनल वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही आनी है, समझ में आ रही बात। अच्छा, और प्रोडक्ट के केस में भी सेम ऐसा ही बेटा डेल्टा पी, लेकिन हाँ वहां पर आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका रिजल्टेंट कंसंट्रेशन हमेशा प्लस में ही आता है। बोलो यहां तक समझ में आता है बच्चों, है ना, क्लियर है बातचीत, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बात करते हैं बेटा किस चीज की, हम प्रोडक्ट, मान लो प्रोडक्ट शुरू में जीरो है बट एक सर्टेन लिमिट के बाद ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, तो ही ऑब्वियस बढ़ेगा, तो यहां पर भी बेटा हमारे पास कुछ इसी तरीके का रहेगा। मान लो ये हमारा टी वन है और ये हमारा क्या है बेटा टी टू है, यहां पर प्रोडक्ट P1 और ये P2, बोलो समझ में आता है। अब ये डिफरेंस फिर से वही बात आ गई है ना, अब यहां पर तुम डेल्टा P निकालो, डेल्टा P मतलब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज प्रोडक्ट के, ठीक है, अरे भाई जो चेंज है उसी के हिसाब से तो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे आप यहां पर बेटा P2 माइनस पी वन अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब क्या होगा यहां पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू बेटा ऑलरेडी ओ ओ ओ ठीक है ठीक है ठीक है डन, यहां पर बेटा आप टी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम तो ऑलरेडी यार वो कर रहे हैं ना डेल्टा पी कर रहे हैं ना बेटा, प्रोडक्ट में जो चेंज है वो लिखना है राइट। गो टू ऑप्शन एंड डिलीट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर मैं आर ओ आर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, ऑब्वियस है डेल्टा पी तो रहेगा ही है ना स्क्वायर ब्रैकेट में और यहां आ जाएगा डेल्टा टी, ये चीज आपका पॉजिटिव रहेगा। बोलो यहां तक समझ में आता है, सिंपल है, कोई खास इसमें मेहनत तो था ही नहीं, यस और नो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बालकों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं बताओ, इंस्टेंटेनियस। लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर से इसको डिपिक्ट करना चाहूंगा आप सभी के लिए, मान लीजिए R क्या बन रहा है P, तो हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन बेटा एवरेज में जो मैं लिखूंगा वो होगा माइनस डेल्टा R अपॉन में डेल्टा T प्लस डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। मेरा ऐसा मानना है आप इसको समझ चुके होंगे, एक रिएक्शन के लिए रिप्रेजेंटेशन आप इसको ऐसे ही बनाओगे, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस का ख्याल हमेशा रखना, ठीक है, माइनस आपका यहां पर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन
ये इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है? आपको मैंने पिछली क्लास में बाद में बता चुका हूं पहले भी कि इंस्टेंट नाम ही इंस्टेंट है। अगर आप कहीं पर बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं और आपसे कोई पूछे कि भाई है ना, जब आप इस टाइम पे थे, मान लो आप गाड़ी चला रहे थे 10 बजे से, कहीं आपको जाना था, आप 10:30 बजे वहां पर पहुंच गए, और आपसे कोई फ्रेंड कह रहा है भाई तुझे याद है 10:16 पे और इतने सेकंड पे गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो उस टाइम तो तुम्हें याद नहीं, बट अगर मान लो गलती से आपने देखा हो तो उस स्पीड को आप क्या बोलोगे? इंस्टेंट स्पीड। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड है वो इंस्टेंट होता, और यहां पर जो इंटरवल ऑफ टाइम होता है बेटा, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना। हम क्या लिखेंगे यहां पे? द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेजर्ड, द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेजर्ड एट वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, या कह सकते हो और पर्टिकुलर इंस्टेंट, और पर्टिकुलर इंस्टेंट। और ये ऑब्टेन कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय, यहां पे हम इसको लिख देते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय drawing tangent at that time in a given graph। जो भी आप ग्राफ बनाओगे ना बेटा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का टाइम के रेस्पेक्ट में, उसमें गिवन ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम, ठीक है, इन विच स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी द ROR। बोलो ये कहानी समझ में आई? नहीं आई, अभी आ जाएगा। पहली बात तो ये है, द ROR विच इज मेजर्ड एट अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम और अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात क्या है बेटा यहां पे, ये कैसे निकाला जाएगा? क्योंकि भाई देखो दो टाइम का डिफरेंस यहां पे है नहीं, बिकॉज हम जो है एट अ सेम टाइम हम स्पीड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर दो टाइम का डिफरेंस आने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, समझे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दैट टाइम इन अ गिवन ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम इन विच स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी द ROR, यानी कि जो स्लोप होगा, जो टेंजेंट हम बनाएंगे उसका जो स्लोप होगा वही ROR कहलाएगा, और जहां कट आउट करेगा बेटा उसी का रेशियो ले लेंगे और बात खत्म, ठीक है। चलो देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कितने बच्चे ये चीज समझ पाते हैं। मान लो बेटा मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक ग्राफ बनाते हैं, जैसे हमने अभी पिछले वाले में बनाया था। मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट है और इधर आपका टाइम है, और ये रिएक्टेंट है, ऐसे रिएक्शन चल रहा था, किसी ने बोला कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्शन बताओ कौन से, यहाँ पे बता दिया किसी ने, है ना। अब भाई यहाँ पर हम पर्टिकुलर टाइम पे कैसे बनाए, है ना, समझो बात, पर्टिकुलर टाइम पे ये चीज हम कैसे करें, है ना। तो अब एक काम करते हैं, ये मान लो ये टाइम है, इस टाइम पे बताना था, इसी टाइम पे बताओ कितना, ठीक है। अब इस टाइम पे अब यार निकाले तो निकालें कैसे, आपको पता है पहली बात तो ये कि फॉर अ रिएक्टेंट क्योंकि रीजन क्या है ना बेटा, यहां पर थोड़ा सा चीजें अलग होगी, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है।
अगर तुम देखते हो आर ओ आर, तो यहां पर जो तुम्हारा आर ओ आर है ना बेटा, वो क्या है, लिमिट और टाइम टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा माइनस, यहां लगा दो ट्रायंगल आपका आ जाएगा आर, ये हो जाएगा टी, यानी कि आपका डेल्टा रिएक्टेंट ये आ गया। लेकिन क्या आप हर बार ये लंबी चौड़ी बातें लिखोगे, लिमिट टाइम टेंस टू जीरो? इससे अच्छा है कि आप डेल्टा की जगह डेल का इस्तेमाल कर लो, दैट इज व्हाट स्मॉल डी, छोटा चेंज है ना। एक काम करते हैं बेटा, इसको अपडेट कर देते हैं और इसको लिख देते हैं माइनस डी आर अपॉन में डी टी। बोले यहां तक समझ में आता है ना। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये एक्चुअली बेटा इंस्टेंटेनियस कहलाता है, जो बहुत ही स्मॉल इंटरवल टाइम पे हम यूज करते हैं या काम करते हैं। स्मॉल इंटरवल मतलब क्या हो गया, कभी स्मॉल इंटरवल मतलब ये कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पे गाड़ी की स्पीड क्या है, अब वहां पर डिफरेंस कहां रह गया यार। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता जरूर है, कुछ ना कुछ माइक्रो, कुछ ना कुछ मिली नैनो सेकेंड का डिफरेंस होता जरूर है। तो उस डिफरेंस को हम बोलते हैं इंस्टेंट, एट अ सेम टाइम जो स्पीड है उस चीज की, हम उसको बोलेंगे इंस्टेंट या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या होगा, अगर मैं यहां पर टेंजेंट बनाता हूं, चलो बना के देख लेते हैं। अगर मैं यहां पर टेंजेंट बनाता हूं तो ये कुछ ऐसा कटआउट करेगा, मैं एग्जैक्टली इस पर नहीं बना पा रहा हूं, बट आई थिंक आप समझ जाएंगे। ये जहां पर कटआउट करेगा ना बेटा, उसी को मैं बोल दूंगा जो भी आपका कंसंट्रेशन में स्मॉल चेंज माना जाएगा, ठीक है। और ये जहां यहां पे जहां भी कटआउट करेगा, इसको बोल देंगे हम डी टी। समझ में आ रहा है बेटा? और ये जो स्लोप है, एक्चुअली यही स्लोप हमारा क्या है, आर ओ आर, इंस्टेंटेनियस। सिंपल सी कहानी है, शायद समझ में आ गया हो बच्चों आपको, है ना। स्लोप इसका बेटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यहां से देखो नेगेटिव है ना। यहां मैं क्या लिखूंगा बताओ, आर ओ आर इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन में डी टी, या कह लो माइनस स्लोप, एक ही बात है। या ये भी यूं भी कह सकते हो बेटा इसे आप, टैन थीटा, क्योंकि जहां ये कटआउट करेगा वहां पर ये एंगल बनाएगा, और मैथमेटिकली वी कैन से टैन थीटा। ये है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और हाँ, इसको अच्छे से लिख लेना बच्चों, हमने टेंजेंट ड्रॉ करके ही इसको निकाला है, क्योंकि बिना टेंजेंट ड्रॉ किए हम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पॉसिबल सी घटना है ये, ठीक है। बट फिर भी मोर टू एक्यूरेसी हम जा सकते हैं बाय द टेंजेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल। एक हेडिंग डालेंगे बेटा, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, इसके बीच में हम रिलेशन कैरी करने जा रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, यहां जो लगाएगा वही पाएगा भाई, सीधी बात है, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है ए, और ए से वो बना रहा है बी, मान लेते, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो जो आर ओ आर आएगा वो क्या आएगा, पूछो। इसके आगे कोई कॉफिशियंट अभी नहीं है, लो इसका जो रेट है खत्म होने का, क्या वही बनने के रेट के बराबर है, हाँ या ना, वो बताओ पहले। तो क्या आप सहमत हैं कि इस रिएक्शन में जो हम ए से बी बना रहे हैं, क्या उसमें आर ए इक्वल टू आर बी है? यस, ऑब्वियस है ना यार, है बेटा। ध्यान से देखो, एक सेकंड में अगर ए एक मोल खर्च हो रहा है, ठीक है, तो बी भी तो वन मोल बन रहा है। तो इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रफ्तार है दोनों का, स्पीड है, वो क्या है, क्या ये बराबर है, यस और नो? जरा नेक्स्ट लेवल देखते हैं यहां पे। अगर मैं तुमसे यूं कहूं 2a
plus b 3c plus d. अब इस रिएक्शन में दिमाग लगाओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, अरे यार आर ए का खत्म होने का रेट इक्वल टू आर बी आर सी आर डी, क्या मैं ये लिख सकता हूं? कितने बच्चे मानते मैं लिख सकता हूं? थिंक अबाउट, हाँ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? क्या इक्वल है? कोई मतलब ही नहीं बनता, क्यों भाई? तुम्हारा ए दोगुनी रफ्तार से खर्च हो रहा है 2 मोल पर सेकेंड और बी तुम्हारा 1 मोल पर सेकेंड खर्च हो रहा है, बराबर कैसे हो गए आर ए और आर बी? सी तुम्हारा 3 मोल पर सेकेंड बन रहा है, उसका बनने का रेट इनके खत्म होने के रेट के कैसे बराबर हो सकता है? होगी ना गलती, कैसे ठीक किया जाए बताओ, दिमाग लो कैसे ठीक किया जा सकता है बालक, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। चलो दिमाग लगाते, एक्चुअली यहां पे आप इसको ऐसे करेंगे, अगर ये वाकई में 2 मोल खर्च हो रहा है पर सेकंड है ना, और बी खर्च हो रहा है 1 मोल पर सेकंड, तो क्यों ना मैं इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं आर ए को डिवाइड कर दूं 2 से, हो गया ना 1 मोल पर सेकंड, अब तो हो गया 1 मोल पर सेकंड, लीस्ट 1 मोल है, आरबी में कुछ छेड़ना ही नहीं है। अब बताओ आरसी यानी रेट ऑफ अपीयरेंस, हेलो इनके खत्म होने के रेट को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहते हैं और उनके बनने के रेट को रेट ऑफ अपीयरेंस कहते हैं। खैर अभी उसकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं रफ्तार की बात कर रहा हूं। क्या आर ए बाई टू और आर बी दोनों की रफ्तार बराबर हुई? अबे हाँ या ना बोल दो यार, यस ठीक है। क्यों हुई? क्योंकि अगर ये 1 मोल पर सेकंड खर्च हो रहा है तो ये भी तो खर्च हो रहा है ना 2 मोल पर सेकंड, लेकिन मैंने 2 से डिवाइड कर दिया यार, तो 1 मोल पर सेकंड हो गया। अच्छा सी में क्या जाएगा जरा ध्यान से देखें, आर सी बाई 3 और ये हो जाएगा आर डी, कर दिया ना काम। फिर यानी अब सारे बराबर है बेटा, अब ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है, राइट। चलो आगे की कहानी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नाउ अब देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया ना बेटा ये कॉन्सेप्ट, तो आपके लिए हलवा है, सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है। कैसे आओ देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं और वहां दिमाग लगाते हैं, ठीक है। 2A 3B का रिएक्शन हुआ, सी एंड 4D ऐसा कुछ रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जा रहा हूं और अब इस बार मैं गलती की उम्मीद आप लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्यों बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालूं मैं? इसका तो हो गया खत्म होना, इसका भी खत्म होना, बनना तो देखते हैं, है ना, सबको बराबर भी तो करना है। तो सबको मैं 1 मोल पर सेकंड पे लेके आ रहा हूं, हाल फिलहाल ये 2 मोल पर सेकंड पे है, 3 मोल पर सेकंड पे है, 1 मोल पर सेकंड पे है, 4 मोल यानी 4 मोल पर सेकंड पे। स्पीड की बात कर रहा हूं, ये 1 सेकंड में 2 मोल जा रहा है, ये 1 सेकंड में 3 मोल खर्च हो रहा है, ये भी 1 सेकंड में 2 मोल खर्च हो रहा है, 1 सेकंड में 1 मोल बन रहा है और ये 1 सेकंड में 4 मोल बन रहा है। और अब क्या करें, मैं इक्वेट करने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। रिएक्टेंट है तो ऑब्वियस है उसको रिएक्टेंट तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, उसका जो कंसंट्रेशन उसके आगे मैं क्या लगाने वाला हूं, माइनस है ना, तो यहां पर लिख देते हैं माइनस और ये चीज कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस एंड दिस विल बी हाफ बिकॉज 2 मोल खर्च हो रहा है तो मैं उसको 1 मोल पर लाऊंगा ना, सबको 1-1 मोल पर लेके आने वाला हूं, ध्यान से देखना सबके साथ क्या होगा बेटा, बराबर काम, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो चलो फटाफट देखते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा ए और अपॉन में हो जाएगा डेल्टा बी, बोलो समझ में आता है यहां तक? फिर अगेन ये हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा अपॉन में डेल्टा टी, अगेन
यहां तो कुछ मेहनत करना ही नहीं था, ये हो जाएगा डेल्टा सी ऑन में डेल्टा टी एंड अगेन इट विल बी 1/4 टी। कह दो कि यहां तक बात समझ में आ गया है, यस और नो? वेरी क्लियर। ठीक है, नाउ थिंक अगेन। तो बेटा ये है आर ओ आर, ये है आर ओ आर का एक्सप्रेशन। कितने बच्चों का एक्सप्रेशन अभी समझ में एग्जैक्टली आ गया है, मैंने इसको क्यों हाफ किया, इसको क्यों 1/3 किया, क्यों माइनस लगाया या 1/4 क्यों किया? कितने बच्चों को आ गया है? अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे बेटा, जरा कमेंट जरूर करना बेटा, यस यू अंडरस्टूड राइट। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। यहाँ पे अगला जो हमारा इसमें पार्ट आता है, अब हमें इसमें रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस भी तो बताना है, दिमाग सेंटर में रखना। ठीक है, ये जो पोर्शन है डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी और ये डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेटा। ये जो चीज होता है ना बेटा, एक्चुअली ये होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, खत्म होने की रफ्तार बस इतनी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या बन रहा है उसका रेट, जो उतने का जो वैल्यू है, दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस। बोलो समझ में आता है? तो अगर मैं इतना निकाल के आंसर देता हूं तो रेट ऑफ अपीयरेंस कहलाएगा। कैसे, जरा देखो, मैं कहता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, इसके आगे क्या है, टू है। जो भी रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आता है उसको अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं रेट ऑफ रिएक्शन को, तो इसका खत्म होने का हमें रेट पता चल जाएगा। अब जरा यही देख लो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, ध्यान से बच्चों, बी अपॉन में डेल्टा टी क्या हो जाएगा, इसके आगे थ्री है, थ्री से रेट ऑफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई करो, उसके खत्म होने का रेट पता चल जाएगा। कह दो समझ में नहीं आया, आ गया राइट? बनने की रफ्तार भी ऐसे ही है, कैसे करोगे? ये 1/4 है, अच्छा डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी वो डायरेक्टली इक्वल है आर ओ आर के, तो वहां हमें दिमाग लगाना ही नहीं है। वहां डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी का जो आर ओ ए है, रेट ऑफ अपीयरेंस, दैट इज ऑलरेडी इक्वल टू आर ओ आर, तो वहां मेहनत आपको करना ही नहीं है बच्चे। ठीक है, डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी, उसका बनने का क्या रेट है, फोर्स मल्टीप्लाई कर दो किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, दैट्स इट। तो मैं ये मानता हूं कि आपको साथ में समझा पाया और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा लेक्चर। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में बच्चों, ठीक है, और कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। तब तक के लिए नमस्कार।